और अब हमन के बिहार के सुरमा में से बुलावे जा रहल बनी जा। हम बुलाई हम चाहा तनी कि रोहित हमार फेवरेट स्टेज पे आ जाऊं। हाँ रोहित, जिंदगी में सबके केहू ना केहू से प्यार होला। तोहरा के कबो लागल कि केहू ऐसा होके जेकर आवाज सुन के, जेकर साथ पाके, जेकर एहसास पाके तोहके लागल कि इनका से हमरा के प्यार हो गए, ऐसा केहू बात हो रही जिंदगी में? मने अभी वैसा तो केहू नहीं क्या, अरे उम्र ये कितना दिन को बोल। इशरत तोहरा से कहाँ जा रही? अगे गनवा गा ली। गनवा गा देबो पहले? ठीक बाटे। तो हमन के सामने बहुत बढ़िया एगो रोमांटिक गाना लेके आयल बना रोहित। रोहित ढेर सारी शुभकामना बाटे, छप्पड़ फाड़ दो अपना गाना से। रोहित जी, आज हम कुछ कहल चाहते हैं। कहीं लेकिन प्यार के मत कहीं। देखो हम जोन तोहरा के हाथ में पकड़ाओ तनी चुपचाप पकड़ लियो गुलाब के फूल। अरे जिंदगी ढेर दिन जिए के बाबी। हाँ तो गुलाब का फूल पकड़ो। ए हाँ रोगा तरफ से नहीं, ये हवे इशरत की तरफ से। इशरत आपके लिए रोहित कुछ कहना चाहते। रोहित जौन तू बतिया कहले रहला हमरा से, वो हम अपनी मुंह से कह देता नहीं इशरत खातिर। मैंने रोगो फसावे के फेर में लाग गोइल मनी ना। फसावत नहीं थी, रोहित के दिल में एक बहुत सुंदर सी मंदिर है। इशरत जी आपके लिए है, रोहित के दिल में जो मंदिर है उस मंदिर की आप मूरत हैं। रोहित आपसे कभी शब्दों में नहीं बता सकता कि आप कितनी खूबसूरत रोहित। ठीक बा रोहित? ठीक रहा ना? लेकिन
मतलब हमारा इनका आवाज से प्यार बा बस बस आवाजे का आई लव यू बोल दो। लेकिन पता है यश भैया, आज रोहित ने रात में मुझे सपने में देखा था, मुझे बता रहा था पीछे। हाँ, इसीलिए तो प्रपोज किया है। कहा है कि हमने के दुश्मनी चलेला नो। आज ये दुश्मनी के प्यार में हमेशा के लिए बदल दिया जाएगा, क्योंकि ये मंच दुश्मनी सिर्फ आवाज से की जाती है, दिल से तो यहाँ मोहब्बत है एक दूसरे से बॉस। अब हमन के इतना बढ़िया रोहित के हमन का तो प्रतिक्रिया मिल गया, सबके थपरी मिल गया। अब जाना लिए हमन के अपने गुरु माँ से कि गुरु माँ, रोहित ने जो गाना गाया है एक रोमांटिक सॉन्ग, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत खुशी हुई मुझे इसे ये रोमांटिक गाना सुन के जी, क्योंकि अभी तक तो सारी ट्रेडिशनल गाने थे, तो ये भी एक पहलू सुनने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। नंबर कितना देना चाहिए? 7 अंक मिलल बा रोहित गुरु माँ की तरफ से। अब चलल जाओ अपने पितामह जी के तरफ और जान लेवल जाओ कि का कहतनी। बिल्कुल, अनुराधा जी ने जो कहा कि अभी तक हम फोक सुनते आए और हमें बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन रोमांटिक गाना गाना मतलब एक बहुत ही जज्बाती गाना होता है, बहुत उसके अंदर बहुत सी फीलिंग होती हैं, बहुत सारे सुर होते हैं, बहुत से शब्द हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी फीलिंग्स, ये सब चीज़ें फाइन ट्यूनिंग कहते हैं हम उसको, फाइन सिंगिंग कहते हैं, वो थोड़ी सी मिसिंग लगी मुझे। और बाकी फोक सिंगिंग में तो बादशाह हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो उन्होंने कोशिश की है रोमांटिक गाने की, इसमें भी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी मुझे और अंदाज बहुत अच्छा था, और मेरी दुआ है कि ये बहुत आगे बढ़े। नंबर भेटाइल बा रोहित। अब जानल जाए हमन के सेलिब्रिटी जज आलोक कुमार जी। का रोहित बाबू का हाल है? ठीक है, ठीक है। नहीं, बड़ा अच्छा लगा, और ये फोक धुन और फोक में ये रोमांटिक, और बाकी मेरे तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना है रोहित भाई, इसी तरह आप गाइए और मेरे तरफ से। आठ नंबर।